हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं 26 जनवरी के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज हमारे 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग, क्यों मनाते हैं, कौन कौन अतिथि रहे हैं, क्या मुख्य तथ्य हैं इसके, सभी देखेंगे। 1950 से अभी तक जितने अतिथि हैं उन सब के बारे में दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इसका इतिहास देखते हैं। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, आंशिक रूप से अपनाया गया था, याद रखिए, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया। पूछा जाता है कई बार कि हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ संविधान, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को, और कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू हो गए थे। ठीक है, आपको बता दें कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसे बनाने वाली सभा के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, जबकि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि सभा के प्रमुख सदस्य थे। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू हुआ। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया इसे 26 जनवरी को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया इसे। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया है, याद रखिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, तो आपको याद रखना है क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 कौन से हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और दूसरा गांधी जयंती। ठीक है, एक तीसरा है गणतंत्र दिवस। साल 1929 की दिसंबर में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करते हुए इस बात की घोषणा की गई कि अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। 26 जनवरी 1930 तक कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया इस मामले में। कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। उस दिन से 1947 में तक स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई है। इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभा राज्य की सभाओं के निर्वाचित सदस्य चुने गए थे। 26 जनवरी 1950 को कैसे लागू हुआ संविधान, तो याद रखना 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये हम लोगों ने जान लिया है। देखते हैं 26 जनवरी 1950 को कैसे लागू हुआ संविधान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी प्रमुख सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। संविधान सभा में कुछ 22 समितियाँ थीं, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति सबसे प्रमुख थी
और महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखना, जानकारी के लिए भी याद रखना और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया, जिसके बाद अनेक सुधार और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इनमें 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इस दिन संविधान निर्माता सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई, इसलिए भी 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कुछ जुड़े तथ्यों की बात करें तो देश में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। यह परेड 8 किलोमीटर की होती है। इसकी शुरुआत रायसीना हिल से होती है, उसके बाद राजपथ इंडिया गेट से होते हुए ये लाल किले पर समाप्त होती है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस परेड राजपथ के बजाय तत्कालीन इरविन स्टेडियम, अब नेशनल स्टेडियम में हुई थी। उस वक्त इरविन स्टेडियम के चारों तरफ 4 दीवारी नहीं थी, उसके पीछे लाल किला साफ नज़र आता था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की ये सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के ख़त्म होने के साथ ही पूरी हो जाती है। अब लोग हम बात कर लेते हैं, आगे देखते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां निकलती हैं, जिसका टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर खासतौर पर झांकियां देखने के लिए कई लोग इंडिया गेट भी आते हैं। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस के परेड में आने वाले सभी मुख्य अतिथियों के बारे में, ठीक है, चीफ गेस्ट के बारे में। तो 1950 की बात करें सबसे पहले, तो इस समय आए थे अतिथि रहे 1950 में राष्ट्रपति सुकर्णो, इंडोनेशिया के थे। याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि पहले 1950 में अतिथि थे राष्ट्रपति सुकर्णो, इंडोनेशिया के थे। पूछा जा सकता है सबसे पहले गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, तो याद रखना राष्ट्रपति सुकर्णो, इंडोनेशिया। फिर 1991 में राजा त्रिभुवन वीर विक्रम साय, ये नेपाल के थे। फिर 1952 में याद रखना है कोई आमंत्रण, कोई निमंत्रण नहीं दिया गया किसी को, ना 1953 में कोई निमंत्रण नहीं, ठीक है। फिर आता है चंगवन में राजा जिगमे दोरजी वांगचुक, ये भूटान के थे। 1955 में गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, ये पाकिस्तान के थे। 1956 चांसलर ऑफ द एक्सचेकर आर ए बटलर, मुख्य न्यायाधीश कोटारो तनाका, ये यूनाइटेड किंगडम जापान के थे। 1997 में रक्षा मंत्री जियोर्जी जुकोव, ये सोवियत संघ के थे। 1958 में मार्शल ए जियानिंग, ये चीन के थे। 1959 में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप, ये यूनाइटेड किंगडम के थे। 1960 में राष्ट्रीय किलमेंट बोरोसियो सिलो, ये सोवियत संघ के थे, ठीक है। फिर 1961 तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ये यूनाइटेड किंगडम की थी। चलिए तो ये देख लेना आप लोग, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। याद रखिए 1966 में भी कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था, ठीक है। तो 3 बार ऐसा हुआ कि कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 2000
सोलह सत्रह अठारह के बीस तक, ठीक है। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापान के, फिर 2015 में ये राष्ट्र प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का पहला गणतंत्र दिवस था, तो इसमें राष्ट्रपति बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। 16 में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ये फ्रांस के थे। 2017 में क्राउन प्रिंस शिखर मोहम्मद बिन जायद ये संयुक्त अरब अमीरात के थे। 2018 की मुख्य अतिथियों की बात करें तो ये थे 2018 में सुल्तान हसनल बोल्किया है जोको विडोडो, थोंगलोन सिसोलित ये बुनई के थे, जोको विडोडो इंडोनेशिया, थोंगलोन सिसोलित ये लाओस, प्रधानमंत्री हुन सेन कंबोडिया, नजीब रजाक मलेशिया, राष्ट्रपति हथिन क्राओ म्यांमार, रोडिगो रोड ड्यूटरे फिलीपींस, हलीम यकू सिंगापुर, पिथू चान ओसा थाईलैंड, ग्वेन जुआन कुक फुक ये वियतनाम। 2019 की बात करें तो राष्ट्रपति श्री रामफोसा ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, और 2020 की अभी की बात करें तो राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ये ब्राज़ील के, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इतिहास 26 जनवरी का, ठीक है।